हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है चौलाई भाजी। चौलाई भाजी को गमले में या कोई भी कंटेनर में आप कैसे उगा सकते हैं, इसके बारे में आपको वीडियो बना के दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको मिट्टी तैयार कैसे करते हैं इसके बारे में बताऊँगी। देखिए फ्रेंड, ये लकड़ी का कंटेनर जैसा बनाया हुआ है मेरे बेटे ने, और इसमें जो प्लास्टिक बोरी है उसको ढक दिया है। ये लकड़ी का बना हुआ है कंटेनर। तो सबसे पहले हम मिट्टी तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने ये एप्सम साल्ट लिया हुआ है, इसको मैं ऑनलाइन परचेज़ की थी। तो इसमें मैं इसलिए डाल रही हूँ कि जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या फंगस वगैरह हो गए ना, तो इससे वो नष्ट हो जाएंगे। एप्सम साल्ट और ये थोड़ी सी मैं नीम की खली भी डाल रही हूँ इसमें। देखिए फ्रेंड, ये नीम की खली है, इसको मैं मार्केट से मंगाई थी, तो इसको भी मैं थोड़े थोड़े इसको भी डाल देती हूँ, क्योंकि बीज लगाने से पहले ना मिट्टी को अच्छे से तैयार करना होता है। जब मिट्टी अच्छी रहेगी तभी उगेगी बीज अच्छे से। मैं इसमें से जो बड़े बड़े वो गोबर खाद के टुकड़े हैं और बड़ा मिट्टी जो है उसको अलग निकाल लेती हूँ। पहले बिल्कुल बारीक रखना है इसकी मिट्टी को, क्योंकि जो चौलाई भाजी के बीज होते हैं ना बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, तो ज़्यादा बड़े मिट्टी में दब जाएंगे वो। तो मैं इसको पहले अलग कर लेती हूँ। बिल्कुल छोटे छोटे मिट्टी के दाने रहने चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं, मोटी नहीं होनी चाहिए। पहले ऐसे तैयार कर लेते हैं मिट्टी को। ये 10 रुपये पैकेट की है चौलाई के भाजी के बीज। इस टाइप का दिखता है इसका भी, ये लाल भाजी और इसके दोनों के बीज एक जैसे दिखते हैं। मैं इसको थोड़े थोड़े ऐसे डाल रही हूँ। थोड़े से हल्के हल्के इसको मिट्टी को ऐसे कर देते हैं। छोटा छोटा रहता है ना बीज इसका, एकदम छोटा, तो आसानी से नीचे मिट्टी में ढक जाएगी। इसमें अलग से और मिट्टी नहीं डाल रही हूँ। मैं पहले से मैं इसमें मिट्टी में पानी डाल के रखी थी, तो मैं अभी बस स्प्रिंकल कर रही हूँ इसमें। ये इस चौलाई की भाजी के सीड्स को 14 मार्च को लगाई थी फ्रेंड। अरे 3 दिनों की बात की, देखो बुआई की, दो दो पत्ती आ गई हैं। ये कहीं कहीं उगा है, अभी पूरा नहीं उगा है, लेकिन ये उगेंगे 3 ही दिन में। देखिए दो दो पत्तियां आ गई हैं इसमें। ये पूरे 8 दिनों की बात की है। देखिए फिर तो से 4-4, 5-5 पत्तियां आ गई है इसमें। ये 15 दिन का हो गया है चौलाई भाजी। ये देखिए फ्रेंड, ये पूरे 18 दिन का हो गया है और बहुत ही बढ़िया है इसकी भाजी। एक भी पत्तियों को कुछ नहीं हुआ है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है।
तो अभी मैं इसको तोड़ लेती हूँ। ऐसे ऊपर ऊपर के जो पत्तियां हैं ना, उसको मैं तोड़ रही हूँ। और ये चौलाई की भाजी के कितने फ़ायदेमंद है, आप तो आप सब जानते ही होंगे फ्रेंड। और ख़ास तौर पे जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं ना, उनके लिए बहुत ही अच्छी भाजी है ये। डायबिटीज़ के मरीज़ों को बिल्कुल खाना चाहिए चौलाई की भाजी। और जो पहले उगे थे वो बड़े बड़े हो गए हैं, और जो बाद में उगे जो बीज ना, अभी भी देखो छोटा छोटा उग रहा है वो, यानी एक भी बीज खराब नहीं हुए, पूरे के पूरे उगे। बस इतना ही निकला भाजी थोड़ी हूँ मैं, घर का है। और भाजियों में ना सबसे बड़ी बात यह है कि भाजियों में खाद ही डालना नहीं पड़ता है मुझे, सिर्फ पानी बस डालती हूँ। अभी गर्मी के दिन है ना, तो सुबह शाम, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम स्प्रिंकल करती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये पूरे 10 दिन के बाद का और है, फिर से वापस से पत्ती आ गई है इसमें, तो मैं इसको अभी पूरा उखाड़ूंगी, इसको अब वापस मतलब नहीं रखूंगी और इसमें दूसरे सीड्स को डालूंगी। अभी और चलती ही, लेकिन वो जो बगल में है ना, उनके घर में बोरवेल हो रहा है, तो सब पत्थर कटेंगे तो उसके सब धूल मिट्टी आएंगे, पूरे भाजियों में हो जाएगा, इसलिए मैं उसको उखाड़ रही हूँ। फिर इसमें मैं दूसरे सीड्स डाल दूंगी, मूली वगैरह। तो फ्रेंड, आप भी अपने गमले में ऐसी भाजियों आसानी से उग जाता है फ्रेंड भाजी, आप गमले में छोटे छोटे गमले में भी आप इसको लगा सकते हो। अभी दूसरे गमले में है ये कुम्बड़ा, कहीं से उग गया है, ये भी लगाई नहीं हूँ, उसको रहने दी हूँ। ये देखो इसमें ना 2-4 ऐसे मूली के बीज भी डाल दी थी, वो भी उग गई है। तो अभी तो चौलाई का भाजी का अभी 2-3 कंटेनर में और लगा के रखी हूँ पॉट में, उससे मुझे भाजी मिल जाएगी, और इसमें कोई दूसरे सीड्स डालूंगी। तो ठीक है फ्रेंड, आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और आप भी अपने पॉट में चौलाई का भाजी लगाइए, बहुत इजीली ये उग जाता है, इसमें ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।